जाने। हम 70+ जाना चाहेंगे। किस बैट्समैन पर आप अपने भरोसे को दिखा रहे हैं कि 70+ करने में आपकी वो मदद करेगा? आज पूरी टीम है हमारी और सबसे 100% की अपेक्षा रहेंगे। के क्या हम दर्शकों को ये कह सकते हैं कि एक टफ फाइट मुकाबला हम देखने जा रहे हैं? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे साईंश खारबाओं के कैप्टन। द न्यूज फ्रॉम द टॉस, जेबी स्पोर्ट्स विन द टॉस डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। देखिए, अब प्रैक्टिस बंद करनी है। जेबी स्पोर्ट्स के खिलाड़ी, आपको अपनी फील्ड सजानी है। साईंश खारबाओं के कैप्टन, आपको अपने खिलाड़ियों के साथ प्लेस पवेलियन में पहुंचना है। जुमा के दिन आप देखेंगे सुपर फ्राइडे और सुपर मेगा फिनाले। इसके बाद आप देखेंगे सुरेश इंटरप्राइजेज बनाम पाइनियर स्पोर्ट्स, उसके बाद सोना देवी बनाम बालाजी, उसके बाद आज के दिन का सबसे बड़ा मैच जहां मराठा पंजाब टकराएगी धनेश कुकसे से, वहीं आरडी 11 दो दो हाथ लेगी आई कालूबाई लोनार्ड से और युतिका भिड़ेगी। इस मैच की विजेता टीम से आज के दिन 6 मुकाबले खेले जाएंगे और जुमा के दिन इस स्पर्धा का मेगा फिनाले आप देखेंगे। जुमा की नमाज के बाद आइए, इस वक्त फील्ड की सजावट के लिए पहुंच चुकी है जेबी स्पोर्ट्स। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। कल आई कालूबाई लोनार्ड ने जोली स्पोर्ट्स को इस स्पर्धा से बाहर किया। 37 पर रोककर 38 के लिए बहुत तरसी। धनेश कुकसे की कल नैया डूबने वाली थी, लेकिन जयेश पाटिल ने 5 गेंदों में 28 बनाकर अपनी टीम को मुकाबला जितवाया। वहीं अल्ताफ शेख ने कुछ कम नहीं किया, कल अच्छी बारी खेली और सोना देवी टीमघर को इस टूर्नामेंट में कायम रखा। और बिंदास ने कल बहुत बिंदास बारी खेली, 76 रन बनाए।
ऑन फील्ड अंपायर इस वक्त बीच मैदान में कूल गोकुल पाटिल और शकील कोटी। कल रियल स्पोर्ट्स ने बहुत अलग किया था, जिसमें शकील कोटी खेला करते थे। टॉस जीता युतिका के सामने गेंदबाजी का फैसला किया और 105 रन जड़ दिए थे युतिका ने। और युतिका के राजा ने कल अर्धशतक लगाया था, बिंदास ने लगाया 76 की नॉट आउट पारी। तो कल इस ग्राउंड पर रन भी बरसे और कुछ टीमें रन के लिए तरसी कुछ वक्त के लिए। ओपनर बैट्समैन साइज खारबाओ के कैप्टन आपको भेजना है। दोनों ओपनर बैट्समैन इस वक्त बीच मैदान में जेबी स्पोर्ट्स के 12th मैन आ चुके हैं, साइज खारबाओ के भी आ रहे हैं। बहुत ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां सागर की गेंदबाजी होगी वहीं साइश खारबाओं की बल्लेबाजी। स्ट्राइक पर नंदन, नॉन स्ट्राइक पर प्रणय। पहला ओवर लेकर आ रहे हैं प्रमोद। हाँ नंदन पाटिल सामना करने के लिए तैयार। पहली गेंद, आज के दिन की पहली गेंद, बढ़िया कट किया गेंद को, कवर में गेंद को उठाया, एक रन लिया, दूसरे के लिए पलट गए और बहुत आसानी से दो रन मुकम्मल किए।
हमारे साथी कमेंटेटर सिद्दीक भावे सर जुड़ रहे हैं, आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। ये अच्छी गेंद आगे की तरफ रखा, यॉर्कर थी वहां पर, एहतराम के साथ उस गेंद को खेला, एक रन इत्मीनान से मुकम्मल किया, स्कोर 3 पर जा पहुंचा। धीमी शुरुआत, अच्छी शुरुआत। प्रणय सामना करने के लिए तैयार। अच्छी गेंद, कलाइयों का इस्तेमाल, ताकत का उतना इस्तेमाल नहीं। एक्स्ट्रा कवर में गेंद को उठाया नंदन पाटिल ने, पहले मैच में 18 बनाए थे, प्रणय ने 20 रन बनाए थे। प्रमोद 3 गेंद में 4 रन। इस मरतबा स्विच हिट की कोशिश, अच्छी गेंद, उछाल नहीं था उस गेंद में, नाकाम हो गए, डॉट गेंद। सीधी बिलेट से जब रन मिल रहे हो तो आपको बैट घुमाना नहीं चाहिए, हालांकि कोशिश की थी बाउंड्री की और उसमें नाकाम हुए। इस मरतबा अच्छी गेंद नहीं, लेकिन शॉट उतना अच्छा नहीं, बहुत दूर से खेले थे, एक रन पूरे किए बैट्समैन ने, स्कोर जा पहुंचा है 5। ईश्वर की आखिरी गेंद लेकर प्रमोद, इस मरतबा अच्छी गेंद, लंबाई बहुत थी गेंद में, एक रन। एक ओवर की समाप्ति, धीमी शुरुआत, 6 रन प्लस पॉइंट, ये कि कोई विकेट नहीं गिरा है। सिद्दीक सर, यस सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी को सिद्दीक बाबे का सलाम पहुंचे। आप देख रहे हैं क्रिकेट एंडलेस चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड से एमजे ट्रॉफी की खूबसूरत सुबह में, मैं सिद्दीक भाबे, मेरे साथ कमेंटेटर इफ्तिकार अहमद, आप सभी का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। एमजे फैब्रिक, हाजी जलालुद्दीन शेख, शायन अंसारी, गैसुद्दीन शेख, इरफान शेख और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से आज की सुबह का पहला मुकाबला आप देख रहे हैं। महेंद्र पाटिल फैम टीम साइंस स्पोर्ट खारबाव और शरद भुईर फैम टीम जेबी स्पोर्ट सरोली पारा। एक ओवर की समाप्ति, टॉस को जेबी ने जीता, कुल 6 रन बने। बहुत अब गेंदबाजी के लिए सागर भुईर, इस ग्राउंड पे सागर भुईर के बहुत अच्छी मेमोरीज है गेंदबाजी की, बल्लेबाजी की। सागर भुईर सामना करेंगे प्रणय पाटिल, वंडर बॉय ऑफ खारबाव, नॉन स्ट्राइक पे नंदन पाटिल, काले रत्न। सागर चले राइट आर्म ओवर द विकेट प्रणय के लिए, बहुत तेज गेंद, जगह से खड़े खड़े शॉट को खेला था, गेंद बल्ले के करीब से जाती हुई विकेट कीपर के पास, अच्छा साथ निभाया सिटी क्रिकेट में और सिटी इमर्जिंग के शो में भी आपके साथ रहेंगे इफ्तिकार अहमद। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए उछाल दिया गेंद को मिड विकेट पर, 6 रन। जैसे ही ओवर पिच गेंद मिली, बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को खेला वहां पे प्रणय ने, 6 रन। बिल्कुल गेंद को पढ़ लिया था और उस पर बड़ा शॉट जड़ा वहां पर प्रणय ने, इससे पहले 20 रन बनाए थे इससे पहले मैच में प्रणय ने। यूट्यूब पे हमारा टेलीकास्ट शुरू हो चुका है, पिछले सीजन में प्रणय पाटिल भी एक ऐसे बैट्समैन थे जो बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे। द क्लास इज परमानेंट, द फॉर्म इज परमानेंट, त्रिशूल टाइगर हमारे 12वें खिलाड़ी, मैन फ्रॉम कांदली।
कोशिम भी इस मरतबा खींच के मारा हुआ स्ट्रोक, डीप में खिलाड़ी मौजूद है, एक रन। ग्रामीण क्रिकेट में तो त्रिशूल जिन्हें टाइगर कहा जाता है, बहुत बढ़िया परफॉर्म रहता है, पड़गा और उसके परिसर को, मेरे इलाके को बिलोंग करते हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, नंदन को खेलना चाहते थे, आज नंदन टाइम नहीं कर पा रहे, किंग ऑफ रिंग, मैंडेटरी पावर प्ले या इनिशियल ओवर के बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन आज उनके जो शॉट्स है वो टाइम नहीं हो पा रहे। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार दबा गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के पीछे, स्लॉग स्वीप, 6 रन। कहीं ना कहीं महंगे साबित होते हुए दूसरे ओवर में इस वक्त सागर। कमेंटेटर्स कर्स काम कर गए, ये ओवर में अब काउंटर अटैक हो चुका है। पहला ओवर बहुत ही अच्छा रहा था प्रमोद का, प्रमोद बहुत ही अनुभवी क्रिकेटर है और कौन भूल सकता है उस मैच को जो इसी ग्राउंड पे मेयर कप 2006 में खेला गया था, जीबी स्पोर्ट्स सरोली पाड़ा और भगत ताराचंद के बीच में, बहुत ही कांटे की टक्कर थी। प्रमोद ने और दिनेश ने अपने पूरे एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करके वो मैच जीता था, मेयर कप 2006 शाम के वक्त वो मैच हुआ था। 19 रन बिना किसी विकेट के, साइंस स्पोर्ट खारबाओं भी एक ऐसी टीम है जिसने बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला है। जेबी स्पोर्ट सरोली पाड़ा हमेशा अपना एक अलग मकाम रखती है। इस मरतबा पुल और पावरफुल छोटी गेंद थी, 6 रन। अब नंदन पाटिल अपने वही स्टाइल में बैटिंग कर रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। इस खिलाड़ी के रिस्ट में बहुत ताकत है, आइए देखते हैं किस तरह से उस शॉट को अंजाम दिया। कल प्रिंस मूवीज की सराहना सारे तालुके में चल रही थी, बहुत सुंदर टेलीकास्ट दर्शकों ने कहा कि उन तक पहुंच रहा है, बहुत खूबसूरत शॉट। दो ओवर में 25 रन आए और सुबह के सत्र का जब मैच रहता है इफ्तेकार तो कहीं ना कहीं पिच में थोड़ी बहुत मॉइस्चर रहती है। ये देखिए क्या शॉट खेला है, छोटी गेंद अपने आप को बैकफुट पे किया, बहुत खूबसूरत पुल स्ट्रोक, 6 रन, स्कोर 25। दो ओवर की समाप्ति के बाद मरता क्या ना करता, प्रमोद को कंटिन्यू रखा गया है क्योंकि अब दोनों बल्लेबाज अपने बाजुओं को खोल के बल्लेबाजी कर। इस मैच की विनर टीम को आज देर शाम आखिरी मैच यूती का स्पोर्ट से खेलना है, क्योंकि जब फॉर्मेट इतना अच्छा रहे तो आप सांस नहीं ले सकते। प्रमोद की गेंद ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर वाइड, प्रमोद की ये खासियत है कि हर तरह की गेंदबाजी करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग उनका बॉलिंग एक्शन है, ऐसा लग रहा है कि किसी के मोहल्ले में घुस रहे हैं। कल सारे तालुका के क्रिकेट में बिंदास की बल्लेबाजी की चर्चा थी, अल्ताफ शेख की चर्चा थी, राजा की चर्चा थी। इस मरतबा ऊपर लगी है और प्रणय को जाना होगा, ज्यादा चढ़ गई थी बल्ले पर, पहला झटका लगता हुआ। प्रमोद ने साबित कर दिया है कि वो क्यों इतने बड़े खिलाड़ी हैं भिवंडी तालुका क्रिकेट में। बिल्कुल, विकेट की तलाश थी और विकेट मिला वहां पर प्रणय के रूप में, एक से दो झटके और देने होंगे मुकाबले में वापसी करने के लिए जेबी स्पोर्ट्स को। ये देखिए बल्ले के ऊपर लगी थी, अधिक एलिवेशन शॉट के पीछे था नहीं, कोई गलती नहीं की, आउट होके गए बैट्समैन। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए वीरेश, आई थिंक मैन फ्रॉम टेमोली, यस। आइए फिर से देखते हैं, बहुत सुंदर टेलीकास्ट, ये गेंद ऑफ स्टंप के पहली गेंद को बताया जा रहा है जो वाइड घोषित किया था, और ये देखिए फुल टॉस गेंद थी, बहुत खूबसूरत
टेलीकास्ट एग्जीक्यूशन नहीं था, मारना चाहते थे मिडविकेट पर, गेंद चली गई थी कव कॉर्नर में। प्रमोद राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, इस मरतबा अच्छी गेंद थी, पैरों में थी, एक रन बनता हुआ स्लिम टॉप पे। सबसे बड़ी बात है कि एमजे ट्रॉफी, शायन अंसारी और गैसुद्दीन शेख भी बहुत लक्की हैं, क्योंकि एमजे ट्रॉफी का जो टेलीकास्ट हो रहा है उसके लिए ऑनलाइन में प्रथमेश पाटिल तो है ही, सभी टेक्नीशियन है और साथ में रवि गुल भी स्वयं है, यही कारण है कि टेलीकास्ट अब तक बहुत ही क्लीन और नीट पहुंच रहा है। इस बीच गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर रखा था व्हाइट, एक रन से स्कोर 28 रनों पे पहुंचा है। काफी क्रिकेट चल रहा है, ग्रामीण क्रिकेट चल रहा है। मैजिकल वॉइस ऑफ मराठी डॉक्टर गवली सर, संदेश पाटिल सभी बिजी हैं, शुभा धुमाल, जयवंत पाटिल, सुनील पवार, सभी कमेंटेटर बिजी हैं। इस मरतबा अच्छी गेंद, लेन गेंद थी, पैर नहीं चले थे, जगह से ही शॉट खेले। कारेवली में भी मुकाबले चल रहे हैं और सुरई में भी इस वक्त ग्रामीण क्रिकेट चल रहा है, लेकिन सिटी क्रिकेट का चस्का कुछ अजीब ही होता जा रहा है। स्विच इट करने की कोशिश, देखना है क्या कुछ हुआ है, रन चुरा लिया है लेग बाय। कल देर शाम क्या धनेश का परफॉर्मेंस रहा था और जयेश पाटिल ने एक ही ओवर में मैच का पासा पलट दिया। कल यासिर शेख भी चमके थे, यहां पर ओपन में भेजा था मराठा ने। इस मरतबा अच्छा ड्राइव, एक रन। आज दोस्तों सबसे बड़ा मुकाबला आप देखने जा रहे हैं मराठा पंजाब बनाम धनेश कुक से। कल आई कालूबाई लोनाट के अजय ने बेस बॉलिंग फिगर किया, 2 ओवर 12 रन और 5 विकेट। इस मरतबा बल्ले के अंदर लगी है, लुढ़क कर पहुंची मिड विकेट पर, एक रन बनाए, एक रन से ओवर समाप्त होते हुए 3 स्कोर है। साइंस स्पोर्ट खरबाओ महेंद्र पाटिल फैम टीम का 31 रन। ये आप देख सकते हैं एमजे ट्रॉफी 2019 बेस्ट ऑफ लक ऑल टीम्स, सम्मानीय महापौर सौभाग्यवती प्रतिभा विलासार, एडवोकेट मयूरेश पाटिल, मयूर पाटिल जो चैलेंज के कैप्टन है, और ये देखिए एक्स मेयर और लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार जी, बहुत खूबसूरत बैनर ठीक हमारे सामने। चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड जो कि टेनिस दुनिया का सबसे अच्छा ग्राउंड पकड़ा जाता है, ये हमारे शुभ चिंतक BC4 के चेयरपर्सन अल्ताफ बाली सर, संजय मात्री जी, लॉइन ऑफ भिवंडी विनोद पाटिल जो RD के स्पॉन्सर हैं, और योगेश भेर ये भी मराठा पंजाब के स्पॉन्सर, और दोनों की दो बहुत बड़ी होटलें हैं, RD ढाबा और मराठा पंजाब रेस्टोरेंट। पिछले मैच में 3 विकेट हासिल करने वाले विक्की को गेंदबाजी दी गई है। इफ्तिकार अहमद ने अच्छा साथ दिया है मेरा सिटी क्रिकेट में। पहली गेंद स्वीप कर दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, लेकिन उससे बढ़कर फील्डिंग, झपट गए थे वहां पे खिलाड़ी अपने दाईं ओर आकर। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए,
इस मरतबा बैकफुट पे चले गए, छोटी बैकलिफ्ट से गए, इनको पंच किया कवर्स में, दूसरे की कोशिश और पूरा करते हुए अच्छी सूझबूझ की बल्लेबाजी हो रही है। स्कोर 34 रन। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, इस मरतबा खींच के मारा है, हवा में गेंद है, बहुत बढ़िया। ओ हो, अगर ये कैच पकड़ा जाता तो इस सीजन का सबसे अच्छा कैच रहता। जिस तरह रविश मोमिन ने मातोश्री में कोशिश की थी, बिल्कुल ये कैच पकड़ा जाता तो सीजन का सबसे अच्छा कैच रहता। रनिंग कैच था, ऊंचाई बहुत थी, हालांकि बहुत अच्छी कोशिश की वहां पर विकी ने। ये हाफ चांस तो नहीं, ये क्वार्टर चांस थे, हाफ चांस भी नहीं हम कहेंगे, क्वार्टर चांस को उन्होंने कोशिश की थी कैच में लेने की। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, अच्छा शॉट, टर्न करते हुए पैरों के सामने आउटफील्ड में, विकेटों पे गेंद थी, एक रन। सैतीस रन हुए, 37 फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट, फोर्थ ओवर इन प्रोग्रेस। विदेश उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे, इस मरतबा खींच के मारा है, फिर टॉप एज है, लेकिन शॉर्ट फाइन लेके फील्डर से दूर गेंद गिरी है, एक रन स्कोर में आया है। साइंस स्पोर्ट खारबाओं का स्कोर 38 रन एक खिलाड़ी खोने के बाद। इस मैच की विजेता टीम को आज शाम यूती का स्पोर्ट्स से टकराना है। अगले टॉस के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा दोनों टीमों को, अल्ताफ बाली फैम टीम पायनियर स्पोर्ट्स के कैप्टन और पाए सुरेश इंटरप्राइजेस के कैप्टन। इस मरतबा गेंद को खेल दिया है, टिपिकल नंदन पाटिल स्ट्रोक। नंदन पे गेंदबाज कोई भी बंधन नहीं डाल पा रहे, खुलकर बल्लेबाजी कर रहे नंदन। ये आप देख सकते हैं एक्स एमएलए, आपला एक्स एमएलए रुपेश मात्री जी का बैनर, एमएलए महेश चोगले जी, इरफान अदी संसारी चेयरमैन, कमाल का शॉट। ये देखिए, इसे कहते हैं हल्की सी शॉट गेंद थी और गेंद को खींच के मारा, छह रन। इरफान अदी संसारी, ये हमारा कमेंट्री बॉक्स, चार ओवर 44 रन एक विकेट। अगली दो टीमें भरत देवलीकर फैम टीम, ये देखिए फ्री होम डिलीवरी, निजामपुरा दरबार रेस्टोरेंट, तारिक रईस, पांडुरंग धर्मा पाटिल, दिनेश चौधरी और गुलाम साबिर, चारों के चारों स्पॉन्सर हैं। ऐसे बैनर आईपीएल में लगना चाहिए, चारों दिग्गज स्पॉन्सर। पायनियर के कैप्टन और सुरेश इंटरप्राइजर्स पाए के कैप्टन भरत देवलीकर और अल्ताफ बाली फैम टीम, चार ओवर में 44, नंदन पे कोई बंधन नहीं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, कुल मिलाकर 29 पर हैं। और क्या नंदन एमजे ट्रॉफी में तीसरा अर्धशतक लगाएंगे या फिर नहीं लगाएंगे, ये आपको बताएंगे इफ्तिकार अहमद। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक सर, चार ओवर की समाप्ति हो चुकी है, टोटल स्कोर है 44 रन एक विकेट के नुकसान पर। सागर भुईर स्वयं खुद आए हैं गेंदबाजी के लिए, विदेश सामना करने के लिए तैयार। अच्छी गेंद पैरों पर लगी, लेकिन एक रन लेने का मौका लेग बाय की शक्ल में। सनी भुईर ने जय भोलेनाथ स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है। सनी भुईर, आपका हार्दिक स्वागत है, बहुत अच्छी ऑफिशियल स्कोरिंग भी करते हैं सनी। सागर
ईश्वर में कुछ करना होगा सागर को। अच्छी गेंद, ड्राइव किया गेंद को ऑन साइड में, वाइड इस लॉन्ग ऑन गेंद को उठाया, ये देखिए दूसरे के लिए पलटे थे, तालमेल की कमी और आउट हो गए बैट्समैन। नहीं, मुझे तो लगता है प्री प्लानिंग विकेट फेंका है वहां पर, क्योंकि विदेश उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे और काफी लंबा बैटिंग लाइनअप है। बबलू टाइगर हमसे जुड़ चुके हैं, कल बहुत ही करारा ऑन ड्राइव खेला था उन्होंने 4 रन के लिए, लेकिन टीम का जो परफॉर्मेंस था उसमें बबलू टाइगर का तो कोई कसूर नहीं। गेंदबाज नहीं चले थे, प्रथम काटे ने ऑल द बेस्ट कहा है इस वक्त साइंस स्पोर्ट खारबाओं को। बिल्कुल, कल रियल स्पोर्ट्स के लिए दिन अच्छा नहीं था। अगर पहले बल्लेबाजी की जाती तो वही बल्लेबाज रियल के अच्छा खेलते। नए बैट्समैन कुमार सामना करेंगे सागर भुईर का। सागर भुईर आशा पाटिल नॉर्थ स्टैंड से गेंदबाजी करने के लिए तैयार कुमार के लिए। अच्छी गेंद आगे की तरफ रखा, बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए थे ऑन ड्राइव एक रन। देखिए टेम्बोली एक ऐसा इलाका है जहां पर एक से बढ़कर एक क्रिकेटर हैं। कुमार मैन फ्रॉम टेम्बोली, अल्ताफ शेख मैन फ्रॉम टेम्बोली, हर्षद मैन फ्रॉम टेम्बोली एंड प्रतीक मैन फ्रॉम टेम्बोली। सागर भुईर गेंदबाजी के लिए तैयार, ईश्वर में कुछ वापसी की है वहां पर सागर भुईर ने, पिछले ओवर में काफी महंगे साबित हुए थे। इस मरतबा खराब गेंद और शॉट उतना अच्छा नहीं, लॉन्ग ऑन पर आउट हो गए बैट्समैन। देखिए चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड, हालांकि कल इन फ्रंट ऑफ द विकेट काफी सिक्सर लगे, लेकिन ये वो ग्राउंड है जहां लॉन्ग ऑन और लॉन्ग अप पे 9 बैट्समैन आउट होते हैं, एक सिक्सर लगाता है, ताकत नहीं लगाई थी वहां पर और आउट होके जा रहे हैं बैट्समैन नंदन पाटिल। ओवर पिच गेंद थी, रिप्ले में हम देखना चाहेंगे किस तरह से विकेट गिरा था वहां पे नंदन का। नंदन अच्छी बल्लेबाजी के बाद आउट हुए थे, ओवर पिच गेंद थी, दूर से खेला था, गेंद लॉन्ग ऑन पे पहुंची थी। पाइनियर के कैप्टन अल्ताफ बाली फैम टीम और सुरेश इंटरप्राइजेस, सुरेश पाए के कैप्टन, दोनों को ऑफिशियल कॉल दिया जा रहा है टॉस के लिए। 30 रन बनाने के बाद नंदन पाटिल आउट हुए। सागर ने फिर ब्रेक थ्रू दिए अपनी टीम को, विकेट टेकर गेंदबाज हैं। इस विकेट पे बालाजी कप के वो बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे महेश ठाकरे नए बैट्समैन। पहली गेंद हवा में खेला है, खिलाड़ी नीचे और बढ़िया कैच, इससे अच्छा कैच नहीं हो सकता है जिस कैच को पकड़ा है वहां पर निखिल ने, इससे अच्छा कैच नहीं हो सकता। आइए देखते हैं, व्हाट अ टेकन हाई इन द एयर स्क्वायर था और ये देखिए इंचेस इन द बाउंड्री लाइन, ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के नीचे। दिस इज अ अनबिलीवेबल टेकन बाय निखिल, नाइस बॉडी बैलेंस, इंचेस इनसाइड द बाउंड्री। ये देखिए इसको कहते हैं सिक्सर बचाना और विकेट देना। हालांकि कई ऐसे फील्डर रहते हैं, मौका भी देते हैं, चौका भी देते हैं, छक्का भी देते हैं, टीम पे दबाव बढ़ाते हैं, और निखिल एक ऐसे फील्डर हैं जिन्होंने अपने गेंदबाज को बता दिया कि आप गेंदबाजी सिर्फ कीजिए, कैचेस हम पकड़ेंगे। एमजे ट्रॉफी को और नंदन पाटिल को बंद्रा मारुति कालेर ने ऑल द बेस्ट कहा है। आप जाग गया है कालेर और खारबाओं।
हैट्रिक पर हैं गेंदबाज सागर भुईर। स्ट्राइक पर हैं नए बैट्समैन महेश ठाकरे। सामना कर रहे हैं सागर भुईर की हैट्रिक गेंद का। इस मरतबा अच्छी गेंद शरीर पर लगी, बहुत जल्दी बल्ला चला बैठे थे महेश। एक रन हलाके पूरा किया लेग ब्रेक की शक्ल में। पांच ओवर की समाप्ति, टोटल स्कोर है 48। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में की है सागर भुईर ने। देखिए वो हमेशा अच्छी गेंदबाजी करते हैं, एक बहुत ही अच्छे टैलेंटेड ऑलराउंडर हैं। नजरें हटी थी जब शॉट खेल रहे थे महेश ठाकरे। महेश ठाकरे भी तो बहुत बड़े ऑलराउंडर है, देखना है, लेकिन उतना टोटल तो नहीं बना है कल जिस तरह ये पिच खेली है और कल जिस तरह इस पे रन बने। अब एक ओवर बचा है, डीजे सुमित पीछे का साउंड बंद हो चुका है। रमीज रईस भी आए, माजिद खरबे आए पायनियर के कैप्टन। पीछे के साउंड की हल्की सी आवाज कम करें, जूमिंग हो रहा है। यस 48 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी ओवर लेकर आए निखिल, सामना करेंगे महेश ठाकरे। राइट आर्म और द विकेट जाते हुए, पहली गेंद काफी बाहर कर बैठे वाइट से की शुरुआत। स्कोर जा पहुंचा इस वाइट की मदद से 49 पर। मरतबा पटकी हुई गेंद, अच्छा उछाल मिला, समझ नहीं पाए वहां पर महेश ठाकरे और बीट हुए वहां पर डॉट गेंद। समझ नहीं पाए थे, पढ़ नहीं पाए थे गेंद को निखिल। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए तैयार। इस मरतबा अच्छी गेंद, बिल्कुल उस गेंद का रिप्ले दिखा दिया निखिल ने। एक और डॉट गेंद, पहली गेंद वाइट, दूसरी शून्य, तीसरी शून्य हुई है, हालांकि दो गेंदे। देखिए डे तोड़ में इस तरह की गेंदबाजी जो टीम है उसका हौसला बढ़ा देती है। जिस तरह निखिल गेंदों को डॉट करा रहे हैं, जाकर कुछ कहा है वहां पर महेश ठाकरे को। निखिल इस मरतबा पुल किया, लेकिन ये देखिए कैच भी छोड़ा और चार रन, मौका भी दिया और चौका भी दिया। अंपायर शकील कोटी को हुसैन राजस्थानी ने कॉम्प्लीमेंट दिए हैं। कहीं ना कहीं ये कैच आपको महंगा पड़ सकता है क्योंकि आखिरी ओवर का मुकाबला है। देखना है कि रिप्ले देखने के लिए कोई भी अंपायर को यहाँ आना है हमारे कमेंट्री बॉक्स में। क्या गेंद, चार रन है। इस चौकी की मदद से स्कोर 53 पर पहुंचा है। आखिरी ओवर में कैच छूट जाना और बिल्कुल आसान कैच था, उसे हार्ड बना बैठे थे डीप के खिलाड़ी विकी। इस मरतबा पल पावरफुल, मैंने पहले ही कहा सिद्दीक सर ये कैच कहीं महंगा ना पड़े। छोटी गेंद थी और छोटी गेंद जब बैट्समैन को मिलती है तो उसके आंखों की चमक बढ़ जाती है। पहले ही ऑफ स्टंप पे खड़े रहे
वहीं से गेंद को खींच के मारा, बहुत खूबसूरत एग्जीक्यूशन, गेंद बल्ले से टकराई तो मोहर थी 6 रनों की। 2 गेंदों में 10 आना अब थोड़ा चिंता का कारण बनता हुआ जेबी स्पोर्ट्स के लिए। कैचेस विनिंग मैचेस होते हैं, कैच छोड़ दिया था, 4 रन मिले, फिर दूसरी गेंद पर बड़ा हिट 6 मारा वहां पर महेश ठाकरे ने। गलती आप नहीं कर सकते। एक बार फिर उछाल मिला इस गेंद में, पहले बल्ला चला दिया था, रन के लिए जाना चाहते थे, यस्नो वेट में आउट हो गए। अगला मुकाबला पहली मर्तबा इस सीजन में टकराने जा रही है अल्ताफ बाली फैम टीम और भरत देवलीकर फैम टीम, सुरेश इंटरप्राइजेस पाए और पाइनियर। माजिद बोबड़े डीकॉक ऑफ भिवंडी टीम की कप्तानी कर रहे हैं। पाइनियर इस सीजन में पिछले 4 कप में 3 मर्तबा सेमीफाइनल तक पहुंची है। डे आफ्टर टुमारो से आप देखने जा रहे हैं जॉय कुमार कप टेमगर में, 22 को खत्म होगा, 23 का अंतराल रहेगा, 24 से फिर शुरू होगा लेट विनोद दादा पाटिल उसी ग्राउंड पे, 28 को खत्म होगा, 29 से एकता ट्रॉफी पड़गा शाहिद खान का शुरू होगा, नए साल में 1 जनवरी को खत्म होगा, 2 जनवरी से इसी ग्राउंड पे भिवंडी तालुका शिवसेना आयोजित मुख्यमंत्री चषक सीएम चषक 2020, उसके बाद बाला मात्रे चषक होगा गुंदोली में, राकेश पाटिल की देन, 9 से 12, 13 से 17 तक अंजुमन ट्रॉफी अंजुमन स्पोर्ट और शहबाज नियाल शेख की देन। निखिल आखिरी गेंद लेकर इस मरतबा गेंद हवा में है, कैरी नहीं कर पाए वहां पर, समझ नहीं पाए, गेंद उनके ऊपर से चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ, 4 रन, 1 कैच का छूट जाना और उसके बाद 10 आए हैं सिद्दीक सर। कहीं ना कहीं ये 3 गेंदे इनके लिए सरदर्द बन सकती है और इन 3 गेंदों से आप मुकाबला हार भी सकते हैं। 63 रन बने, 64 की चुनौती है। उसके बाद आप देखेंगे एमआईएम कप 26 से 31 जनवरी और आए दिन बाहर के बेस्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट अल्ताफ बाली प्रेजेंट बाली ट्रॉफी 2020 23 मार्च से 4 अप्रैल पायनियर स्पोर्ट्स क्लब ऑर्गेनाइज। आइए दोस्तों बड़े मैच का हम टॉस करने जा रहे हैं। ग्रामीण के सितारे समीर तांगड़ी कैप्टन तैयार है, माजिद बोबड़े डीकॉक ऑफ भिवंडी पायनियर की तरफ से। अभी अभी हमारे बीच अबू शायमा शेख पहुंच चुके हैं, मैं अबू शायमा साहब आपसे कहूंगा कि बड़े मैच के टॉस के लिए आपको आना है। ऑल द बेस्ट समीर तांगड़ी एंड ऑल द बेस्ट माजिद बोबड़े डीकॉक। टॉस को जीता है सुरेश इंटरप्राइजेस ने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। समीर तांगड़ी आप भी बड़ा शो करते हैं, पिछले साल सौराज चषक किया था, चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे क्रिकेट खेलने का मजा ही कुछ और रहता है और आप यहाँ एमजे में आए, अभी तक कैसा एंजॉय किया है एमजे ट्रॉफी को? बहुत खुशी हुई हमको इधर खेलने के लिए मौका दिया और चैलेंज ग्राउंड पे खेलने का मजा ही अलग रहता है। एक बात है कि आपकी टीम ने 2 कप खेले लेकिन बहुत बढ़िया परफॉर्म रहा है, कहीं ना कहीं बल्लेबाजी नहीं अच्छी भी है गेंदबाजी अच्छी भी है, टॉस जीता है क्या करेंगे? बैटिंग करेंगे। रीजन यही है ना कि आपकी बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं हो रही है, ज्यादा रन बना के गेंदबाजी से मैच जीतने की कोशिश रहेगी? हाँ पक्का। समीर तांगड़ी एक अच्छे बैट्समैन है, टीम के कैप्टन है और आपने मातोश्री कप में अच्छी बल्लेबाजी की, क्या लगता है किस नंबर पे आएंगे? अभी फिलहाल तो नई टीम है, पूरा जोश है यंग प्लेयर का सब, तो कोशिश करेंगे आगे उतरने की और अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करें कि भरत देवलीकर की ये जो टीम है आगे नाम कमाने जा रही? पक्का। ऑल द बेस्ट। डीकॉक है मेरे साथ माजिद बोबड़े,
पॉइनियर लगातार सेमीफाइनल स्टेज की तरफ बढ़ती ही रहेगी। आज आपके व्यू से टॉस इम्पोर्टेंट था? टॉस तो इम्पोर्टेंट था, लेकिन मैं तो फील्डिंग करने वाला था, मुझे फील्डिंग ही मिली। रीजन यही कि आपकी चेसिंग का रिकॉर्ड भी अच्छा है और इस ग्राउंड पे तो और अच्छा है। ये बताइए माजिद, टीम में कोई रद्दबदल है? नहीं नहीं, सेम टीम है। सेम टीम है। टीम के कैप्टन लीडिंग फ्रंट, बहुत अच्छा कह रहे हैं, किस नंबर पे आएंगे माजिद बोबड़े? सिचुएशन के हिसाब से भावी सर देखेंगे, जैसी सिचुएशन देंगे वो हिसाब से बैटिंग करेंगे। अभी ओपनिंग भी अच्छी हो रही है, उमर खान ने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, तो माजिद ऐसा लग रहा है कि गेंदबाजी में तो उसामा अपना 100% दे रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फाइक स्ट्रगल कर रहे हैं, और गेंदबाजी की खेप बहुत अच्छी है, तो क्या अंडर 50 की तरफ देख रहे हैं या टीम आपकी गेंदबाजी के सामने अबव 50 की तरफ जाना चाहेंगी सामने वाली टीम? नहीं, अंडर 50 में इंशाल्लाह रखने की कोशिश करेंगे, और बॉलिंग भी अच्छी हो रही है फाइक की तरफ से, तो मैं बोलूंगा कि इंशाल्लाह वो भी अच्छी बॉलिंग करेंगे मैच में। यस, फाइक कमबैक करेंगे, कैप्टन को भरोसा है, ऑल द बेस्ट। न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज सुरेश पाए वन द टॉस एंड दे डिसाइडेड टू द बैट फर्स्ट इज बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक सर। इस वक्त लक्ष्य है मुकाबला जीतने के लिए 64 रनों का। एक कैच का छूट जाना कितना रन बढ़ गए वहां पर। साइंस खरबाओ ने बल्लेबाजी बहुत अच्छी की है, अब देखना यह है कि किस तरीके की गेंदबाजी करती है। हालांकि इस ग्राउंड पर सबसे अच्छी गेंदबाजी आई कालूबाई लोनार्ड ने कल की थी जॉली स्पोर्ट्स के सामने, जब उन्हें 37 पर रोक दिया था। यस, राम गरत फेम टीम, वो भी ग्रामीण के सितारे थे। अगले मैच में भी हम ग्रामीण के सितारे समीर तांगड़ी के कप्तानी में देख रहे हैं। देखिए, ग्रामीण क्रिकेट बहुत फल फूल रहा है, सिटी में ग्रामीण के खिलाड़ी काफ़ी जलवे दिखा रहे हैं, और पिछले सीजन की बात करें तो अंजूर दापोड़ा और वल के जो खिलाड़ी थे उन्होंने तो हवा खड़ा कर दिया था सिटी क्रिकेट में। बहरहाल खिलाड़ी तो खिलाड़ी है, एक बात है कि लोनार्ड की टीम की गेंदबाजी बहुत मजबूत थी, बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं जल्दी कर दी थी उन्होंने। मात्र एक हैट्रिक करने वाले दिनेश को गेंदबाजी दी गई है, एमजे ट्रॉफी के पहले ओवर में दिनेश ने हैट्रिक किया था। दिनेश टर्न फेसिंग इन बैट्समैन सुखदेव, खतरों के खिलाड़ी। फास्ट बॉल, स्वीप डैश बॉल, सिक्स रन्स, व्हाट अ स्टार्ट फ्रॉम सुखदेव एंड जेबी स्पोर्ट। सुखदेव आल्सो खतरों के खिलाड़ी, ही लव टू प्ले इम्प्रोवाइज क्रिकेट, बट दिस इज द फंटास्टिक रिप्लाई फ्रॉम जेबी स्पोर्ट। लुक एट दैट, not easy this type of stroke, but he played superbly for six. बिल्कुल, कलमतीन ने भी पहली गेंद पर सिक्सर लगाकर धनेश की शुरुआत की थी, और आज पहले ही मैच में पहली गेंद पर सिक्सर लगा दिया बैट्समैन ने। ग्रेट शॉट, दिस टाइम वंस मोर ट्राई टू प्ले क्रॉस द लाइन, दिस इज द बेटर लेंथ maintained by bowler, no damage has been done, score remains on 6 for no wicket, chasing a target of 64. This time beauty, but just very away from the off stump, umpire is the best judge. Very close call for the white. The line belongs to umpire, and finally umpire call a white. Dinesh. Post to Sukhdev, another mighty blow. Slog sweep, six runs. पहली मैच में हैट्रिक विकेट ली थी, और अब इस मैच में कहीं ना कहीं महंगे साबित होते हुए, अब तक 3 गेंदे की हैं, 13 रन खर्च कर चुके हैं सिद्दीक सर।
Yes, this is the positive reply from JB Sports Saloli Para. What a shot. Sukhdev also failed as customer like Khatro ke Khilari, like Altaf Sheikh, because he loved to play improvised cricket. Now, very worried all-rounder Mahesh Thakre having a word with his bowler. Dinesh claimed the first hat-trick in MJ Trophy, and so far, 8 bowler claim hat-trick in this season of BC4 format City Cricket, including the great bowler Silver Arms Usama also. Vivek Shelar also. This time fine delivery, slower one. Sukhdev removed the eye, tried to play through the onside, which in the air and of the surface. अच्छी गेंद वहां पर गति परिवर्तन किया, गेंद में उछाल भी नहीं मिला, बल्ला ऊपर से चला बैठे थे बैट्समैन. हार्ट ऑफ भिवंडी दीपक मडवी इन फ्रंट ऑफ अस एट वाइडिश मिड विकेट. दिस टाइम अनदर फाइन डिलीवरी, चांस ऑफ रन आउट या सीज आउट. व्हाट अ वर्क डन बाय विकेट कीपर विरेश इज देयर एंड फाइनली द डेंजर मैन सुखदेव ऑन हिज वे. Loud shot for LBW. Look at that. Impact is outside the stumps. I think third time batsman gets out in this style in MJ Trophy. Batsman देख ही नहीं पाते, LBW की अपील होती है, बाहर निकलते. तीसरे बैट्समैन MJ Trophy में इस तरह आउट हुए. एक ओवर में 13 बने, एक विकेट गंवाने के बाद बचे हुए 5 ओवर में एग्जैक्ट एक गेंद बाकी है. नए बैट्समैन बल्लेबाजी को दिनेश आए, नीलेश आए, पिछले मैच में ओपन किया था. BC4 फॉर्मेट सिटी क्रिकेट के इस सीजन हंगामा 2019 और 20 में अब तक 3 अर्धशतक आए हैं, 8 हैट्रिक हो चुके हैं, 5वां कप आप देख रहे हैं. दीपक मडवी जिन्हें लेजेंडरी क्रिकेटर कहा जाता है, संतोष मडवी, ऋषि पटेल, दीपक मडवी, दीनू भुईर, ये 4 ऐसे नाम हैं जिन्हें डिसिप्लिन क्रिकेट की मिसाल कहा जाता है. दीपक मडवी की बहुत सी याददाश्त इस ग्राउंड से वाबस्ता है. कमाल के खिलाड़ी रहे, इस मरतबा ड्राइव किया सेफ एंड दीपक मडवी की तरफ गेंद बढ़ती हुई 1 रन. मुझे आज भी याद है शिवाजी बनाम चैलेंज स्पोर्ट्स ग्रैंड फिनाले हो रहा था इसी ग्राउंड पे मेयर कप 2003 में. पहले उन्होंने उमा को स्विच हिट खेला सामने के साउथ स्टैंड में, उसके बाद विश्वास मात्रे को वहीं शॉट खेला उसी स्टैंड में. एक ओवर 14 रन और 1 विकेट. महेश ठाकरे प्रतिभा विलास 2016 के पहले मैच में ही मैन ऑफ द मैच रहे थे. यहां से कितने रन चाहिए 5 ओवर में? उन 50 रन पूरे चाहिए. कल बिंदास ने 11 सिक्सर की मदद से 76 रन बनाए, जबकि रिकॉर्ड है यासुद्दीन शेख के नाम, एक इनिंग में 13 सिक्सर बाली ट्रॉफी 2017 में जब उन्होंने 94 रन बनाए थे. फिफ्टीज का रिकॉर्ड भी बाली ट्रॉफी 2018 का है, 12 बैट्समैन ने अर्धशतक लगाए थे. पिछले सीजन में 25 अर्धशतक लगे, इस सीजन में BC4 फॉर्मेट में 3 अर्धशतक लगे. सिद्धार्थ रापटे को कल्पेश भुईर ने ऑल द बेस्ट कहा है. सिद्धार्थ रापटे को ही गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है, हालांकि अक्षय
फील्डिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, अक्षय, जयेश पाटिल, सूरज जोशी, माजिद बोबड़े, कई नाम है, केतन जो आउटफील्ड के, दीपेश माली, आतिश बांबड़े, बहुत तेज गेंद टिप्पा खा के निकल गई विकेट कीपर के पास। ये आउटफील्ड में ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत ही मजबूत, दीपक मडवी सेफ एंड, ये देखिए काफी नीची रही थी गेंद, ओ क्या गेंद थी, रॉन्ग वन थी, कट के अंदर की जानिब आई थी। बाएं हाथ के बैट्समैन जब गेंदों को अंदर लाते हैं तो उसे रॉन्ग वन कहा जाता है। अगला मुकाबला पाइनियर बनाम सुरेश पाए, टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला पाए का। सिद्धार्थ इस मरतबा फुलर लेंथ की गेंद लेकिन ज्यादा बाहर कर बैठे वाइट, 15 पे पहुंचा है स्कोर। जेबी स्पोर्ट सरोली पारा, लक्ष्य है उनके सामने 64 रनों का। कल से बहुत ही रोमांचक, कल का दिन बल्लेबाजों के नाम रहा था, हालांकि लोनाट के गेंदबाज के नाम रहा था। बढ़िया गेंद लेकिन फिर ज्यादा कटी वाइट, ज्यादा दूर रख रहे हैं बैट्समैन से। सिंगल्स वाइड्स बचाना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कट टू कट मैच में। कल अजय बेस बॉलिंग फिगर रहे थे, 2 ओवर 12 रन 5 विकेट, राम गरत फैम टीम आई कालूबाई लोनाट के तेज गेंदबाज। इस मरतबा पहली फ्रंट फुट पे कमिट हो चुके थे, अच्छी गेंद थी। देखिए इंस्ट्रक्शन अंपायर को कोई भी नहीं देगा, ना कोई बैट्समैन, ना कोई गेंदबाज, ना विकेट कीपर। नॉन स्ट्राइक पर है इस वक्त संदेश बुएर, अच्छी गेंद लगातार लेकिन ये भी वाइड, क्योंकि हम स्क्वायर बैठे हैं तो गेंदे कहां पीछ रही है कहना बहुत मुश्किल रहता है। संदेश बुएर वो बैट्समैन है जो सोहेल नवाब बेग ट्रॉफी में हमेशा हीरो रहे, जब भी आए ड्रॉप सीन में 2 से 3 सिक्सर जड़े और हमेशा अच्छा क्रिकेट खेला सोहेल नवाब बेग ट्रॉफी में। कल का दिन बल्लेबाजों का था, 84 सिक्सर्स आए थे कल के दिन में। इस मरतबा बल्ले से टकराई गेंद, सवाल जरूर पूछा है, शॉर्ट कवर में गई है 1 रन। इस ग्राउंड का जो इतिहास है वो 25 मार्च 2015 का है, प्रतिभा विलास 2015 में एक दिन में 111 सिक्सर लगे थे। हालांकि वो मुकाबले दिन और रात की रोशनी में खेले गए थे लेकिन रिकॉर्ड इज रिकॉर्ड। अबू शायमा शेख भी हमसे जुड़ चुके हैं, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। इस मरतबा एलिवेशन नहीं था, खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ पे, बल्ले का मुंह जल्दी खोल बैठे, गेंद चली गई लॉन्ग ऑन पे, 1 रन से स्कोर 19। कई मरतबा ऐसा होता है कि बल्लेबाज बल्ले के मुंह को जल्दी खोलते हैं, मिस टाइम करते हैं या फिर बल्ले के बंद मुंह से शॉट खेलने की कोशिश करते हैं। इस मरतबा वाइट का इशारा, इस ग्राउंड पे कहीं इतिहास है BC4 फॉर्मेट भिवंडी सिटी क्रिकेट के। बी इंडियन ने 2018 में अब तक का सबसे हाईएस्ट टोटल चेस किया था सेमीफाइनल में धनेश के सामने 121। इस मरतबा गेंद को सीधे प्लेट से उठा दिया है डगआउट में, 6 रन। कप्तान को सलामी देता हुआ सिक्सर, कमाल का शॉट। ये देखिए थोड़ा अपने आप को लाइन से अलग कर दिया, सीधे प्लेट से उठा दिया, 6 रन। साइंस स्पोर्ट खारबाओ इस सीजन में एक सेमीफाइनल खेल चुकी है, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। इस मरतबा चॉप कर दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, डीप पॉइंट में चूक हुई है, 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। अब हम कह सकते हैं कि संदेश और नीलेश दोनों, खासतौर से नीलेश,
ओवर समाप्त होते हुए तीन, अभी भी दो, नेक टू नेट फाइट तो नहीं कहेंगे, पड़ला भारी है इस वक्त जेबी स्पोर्ट्स सरोली पारा का। इस मैच की विजेता टीम को आज आखिरी मुकाबला युती का स्पोर्ट्स से खेलना है। 28 रन एक विकेट गंवाने के बाद दो ओवर की समाप्ति के बाद यहां से साइंस स्पोर्ट को अगर पलट के वार करना है तो विकेटें हासिल करना होगी। आज का तीसरा मुकाबला क्लैश ऑफ टाइटंस बालाजी बनाम सोनादेवी टेमगर, आज का पांचवा मुकाबला, सबसे बड़ा मुकाबला आज का रहेगा जहां पे मराठा पंजाब और दनेश टकराएंगी। छठा मुकाबला युति का बनाम ये दो टीमें और चौथा मुकाबला मराठा पंजाब बनाम पांचवा मैच के, यस आरडी और आई का आई कालूभाई लोनाट का मुकाबला है जो पांचवा है, मराठा पंजाब और धनेश का चौथा है, युति का और इस मैच की विजेता टीम का आखिरी है छठा। दूसरा पाइनियर और सुरेश इंटरप्राइजेस का होने जा रहा है, तीसरा बालाजी और सोना देवी। गेंदबाजी के लिए मेन ट्रम्प कार्ड गेंदबाज अक्षय को बुलाया गया है। पहली गेंद बहुत खूबसूरत ड्राइव ऑन द राइस डीप एक्स्ट्रा कवर में एक रन। इस मरतबा इम्प्रोवाइज तरीके से गेंद को खेल दिया था, बहुत खूबसूरत पल्लू स्ट्रोक पैडल स्वीप, लेकिन फील्डर मौजूद थे त्रिशूल टाइगर। बहुत खूबसूरत गेंद, पाइनियर और सुरेश के बीच में दूसरा राउंड है, तीसरा सोना देवी और बालाजी, चौथा एमपी और धनेश, पांचवा आरडी और लोनाट और छठा युति का और इस मैच की विजेता। इस मरतबा मोड़ दिया ऑन साइड में एक रन स्कोर में बढ़ता हुआ। आज थोड़ा गर्म है मौसम, लेकिन बीच बीच में हवाएं चलती भी हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे। स्कोर 31 रन हुआ है। गेंदबाजी कर रहे हैं अक्षय, दबाव है इस वक्त साइंस स्पोर्ट पर, लेकिन क्रिकेट एक कुछ कहा नहीं जा सकता। इस मरतबा गेंद को आने दिया था, धीरे से गेंद को पंच किया डीप कवर में एक रन। चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड की जो बाउंड्रीज है स्क्वायर बाउंड्रीज वो बहुत छोटी है, जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऑकलैंड या हैमिल्टन या फिर आप होबार्ट को देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के, ये वो ग्राउंड है जिनकी स्क्वायर बाउंड्री काफी छोटी है। बहुत बढ़िया बाउंसर हुक करने की कोशिश, बीट किया वहां पर। तीन ओवर की समाप्ति, अभी भी नेक टू नेट फाइट चलती हुई, प्लस पॉइंट है कि जेबी के पास 9 विकेटें हैं, तीन ओवर में 32 और अगले तीन ओवर में 32, क्या ये पूरे होंगे, क्या युतिका से खेलने जेबी जा रही है या साइंस, ये बताएंगे इफ्तिकार। बहुत बहुत शुक्रिया। तीन ओवर की समाप्ति, टोटल स्कोर है 32 रन 64 के जवाब में। शुरुआत अच्छी है
प्लस पॉइंट ये कि अभी तक एक ही विकेट गिरा है, ज़्यादा झटके नहीं लगे। साइंस खारबाओ अगर चाहती है कि ये मुकाबला जीते तो कम से कम दो झटके देने होंगे, और अगर जेबी स्पोर्ट्स चाहे कि ये मुकाबले को जीता जाए तो यहाँ से इस जोड़ी को रन बनाने होंगे। नू बगदादी ने इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जलालुद्दीन शेख साहब, गैसुद्दीन शेख और एमजे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को ऑल द बेस्ट कहा। हमारे बीच सुरेश इंटरप्राइजेस के स्पॉन्सर और बहुत मशहूर उद्योगपति भरत देवलीकर साहब जुड़ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है, सुस्वागतम। चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं सिद्धार्थ, कंटिन्यू रखा है उन्हें, 18 गेंदे 32 रन। पहली गेंद फुल टॉस, लेकिन उसका लाभ नहीं उठा पाए, बंदर बल्ले के अंदर लगी, एक रन। जून नांदुड़की के जयेश रावत ने इस वक्त साइंस स्पोर्ट खारबाओ को ऑल द बेस्ट कहा है। मैच जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, हो सकता है ये भी बहुत ही फोटो फिनिश मैच रहे। ये आप देख सकते हैं भरत देवलीकर साहब को जो स्पॉन्सर है इस वक्त सुरेश इंटरप्राइजेस पाए के। इस मर्तबाची गेंद फ्लिक किया उसे, गेंद चली गई लॉन्ग लेग पर, एक रन आसानी से पूरा किया बैट्समैन ने। सिंगल डबल आप लेंगे तो आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। आकिब पटेल निजामपुरा ने एमजे ट्रॉफी को मुबारकबाद दी है। देखना है दोनों बैट्समैन की नजरें जमी है। नीलेश अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और जेबी तो यहां से नहीं चाहेंगी कि किनारे पे डूब जाए विकेट हाथ में रखकर। इस मर्तबा अच्छी गेंद, बहुत रफ्तार थी उस गेंद में, कवर्स में गेंद को उठाया, ये देखिए थ्रो तो आया लेकिन गेंदबाज मौजूद नहीं थे, दो रन पूरे किए बैट्समैन ने। अच्छी सोच वहां पर, अब यहां से इसी तरह रन बटोरने होंगे जेबी स्पोर्ट्स को मुकाबला जीतने के लिए। कसी भी गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में, कौन कौन से मैच है ताज मैसेज है, इसके बाद पायनियर और सुरेश इंटरप्राइजेस, उसके बाद सोना देवी और बालाजी, उसके बाद सबसे बड़ा मुकाबला आपका आज का मराठा पंजाब और धनेश, आरडी और लोनाट और युति का, और इस मैच की विजेता टीम। ये मैच आज एमजे ट्रॉफी में खेले जाने बाकी। सिद्धार्थ अच्छी गेंद आगे की तरफ रखा, बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए लेकिन एक रन जरूर लिया। एक से दो बड़े शॉट आएंगे तो एक्विशन कम हो जाएगा और फिर आसानी होगी रन बनाने में। और अगर एक से दो विकेट यहां से मिल जाता है साइंस खारबाओ को तो मैच में पकड़ भी बना लेगी, कहना कुछ भी मुश्किल है। ये बढ़िया गेंद वाइड यॉर्कर, इसी तरीके की अगर गेंदबाजी रही सिद्दीक सर तो मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी जेबी स्पोर्ट्स की। बिल्कुल फाइट बैक दोनों टीमें कर रही है, अब दबाव को जो भी टीम झेलेंगी उस वो टीम इस मैच को जीत जाएंगे। एक्सलेंट फास्ट बॉलिंग फ्रॉम सिद्धार्थ राप्टे, लास्ट वन वाज अ वाइड यॉर्कर। अच्छी गेंदबाजी करते हुए ईश्वर में सिद्धार्थ महंगे साबित नहीं हुए हैं अब तक। इस मर्तबा दिशा से चूक गए वाइड गेंद, कुछ भी कहना मुश्किल है। कल आपने देखा कि किस तरह लोनार्ड ने जोली स्पोर्ट्स को इस स्पर्धा से बाहर किया, 37 पर उन्हें रोका था। बाकी हर टीम बड़े लक्ष्य का या पीछा किया या पहली इनिंग में मैच को छोड़ दिया। अच्छी गेंद हवा में, खिलाड़ी मौजूद और बढ़िया कैच, चलता किया बैट्समैन को विकेट की तलाश और वो मिली सिद्दीक सर। यस, संदेश को पता था कि कैच दीपक मडवी की तरफ जा रहा है, हालांकि थोड़ा सा उनका बॉडी लैंग्वेज हट गया था क्योंकि शॉट जब आ रहा था तो शॉट हवा में घूम कर आ रहा था। ये देखिए ऑफिस टॉस खेला था लेकिन सेफ हैंड दीपक मडवी के हाथ में,
हार्ट ऑफ भिवंडी, आउट हो गए बैट्समैन। चार ओवर की समाप्ति, स्कोर है 38। अब 12 गेंदे बची हैं, 26 रन चाहिए जेबी स्पोर्ट्स को। आखिर में जो 14 रन आए थे सिद्दीक सर, वो काफी रोमांचक इस मैच को करते हुए। एक कैच का छोड़ना कितनी बड़ी गलती साबित हुई है। इस ग्राउंड पे अगर हम अच्छी गेंदबाजी की बात करते हैं तो वो सुरेश पारदी के नाम है। एनआर के सामने उन्होंने 2 ओवर में 12 रन देकर 6 विकेट लिए थे और वो सेमीफाइनल मुकाबला था प्रतिभा विलास 2014 का। विकेट की तलाश है, 101 से 2 विकेट और लिए जाएं, दबाव बनाया जाए जेबी स्पोर्ट्स पर। वहीं जेबी चाहेगी कि 1 से 2 बड़े हिट आ जाएं ताकि इक्वेशन कम हो जाए और मुकाबला खेलने में आसानी हो। अब हर बैट्समैन तो ऐसा नहीं होता कि दबाव की स्थिति में बड़े शॉट खेले। अक्षय को कंटिन्यू रखा है इस वक्त पहली गेंद सागर भुईर के लिए, हवा में एक और बढ़िया कैच, मिल गया विकेट। देखिए सभी खिलाड़ी दीपक मडवी का उत्साह बढ़ा रहे हैं। जिस तरह कैच पकड़ा था निखिल ने, उसी तरह ये कैच बाउंड्री पे, इस तरह के कैचेस आसान नहीं रहते हैं। जब टाइट सिचुएशन हो, आपको कैच लेना हो, बहुत दूर से खींचा था और देखिए क्या कमाल का कैच पकड़ा है दीपक मडवी ने। सेफ हैंड, दूसरा कैच, हार्ट टच, टचिंग टेकन बाय हार्ट ऑफ भिवंडी, दिल को छू लेने वाला, क्योंकि दबाव है, दबाव की स्थिति में कैचेस पकड़ना भी बहुत मुश्किल रहता है। हालांकि गेंद अच्छी नहीं थी सिद्दीक सर, अधूरे मन से शॉट को खेला था वहां पर सागर भुईर ने। पूरे मन से खेलते तो 6 तो जरूर मिलते। इसीलिए तो क्रिकेट में अगर और मगर को कोई जगह नहीं। आपको तो किसी गेंदबाज ने ये नहीं कहा था कि आप 6ठे स्टंप से ऑन साइड में खेले, ये तो खुद की गलती है। अब पूरी तरह वापसी करती भी महेंद्र पाटिल फैम टीम साइंस स्पोर्ट खारबा। अक्षय का जो ओवर है, प्रणय पाटिल जानते हैं यहां से मैच सरकेगा, इसलिए 5वें ओवर में उन्होंने अपने ट्रम्प कार्ड गेंदबाज अक्षय, जो ग्रामीण क्रिकेट सिटी क्रिकेट दोनों में गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं, फील्डिंग अच्छी कर रहे हैं। हमारे बीच में BC4 के चेयरपर्सन गो ईस्ट और वेस्ट बाली इज द बेस्ट अल्ताफ बाली सर तशरीफ ला चुके हैं। दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल है। आए दिन बाहर के अल्ताफ बाली प्रेजेंट बाली ट्रॉफी बेस्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट 23 मार्च से 4 अप्रैल तक देखना ना भूलिए। अक्षय एक बार फिर चले गेंदबाजी के लिए, उनकी ये गेंद इस मरतबा सीधे ब्लेड से आसमानी तूफानी झन्नाटेदार सिक्सर। क्या शॉट खेला है, जिद्दी क्रिकेट आप देख रहे हैं। ये देखिए कमाल का शॉट, सीधे प्लेट से फोर्स करना इतना आसान नहीं होता है। गेंद जब टिप्पा खाए, फोर्सिंग स्ट्रोक था, जबरदस्त स्ट्रोक, जबरदस्ती फोर्स यानी जबरदस्ती आप शॉट खेलते हैं, लेकिन जबरदस्ती में जबरदस्त स्ट्रोक आया। बिल्कुल जिसकी तलाश कर रही थी जेबी स्पोर्ट्स वो मिला है, लेकिन अभी भी मैच बना हुआ है, किसी की झोली की तरफ नहीं है, बहुत कहना मुश्किल है। बहुत मशहूर खिलाड़ी कपिल पाटिल सरोली पाड़ा के, उन्होंने नीलेश तरे को ऑल द बेस्ट कहा है। समीर सामना करने के लिए तैयार, एक तुम्हारी एक हमारी, पहली पर मिला विकेट, दूसरी पर आया 6। ये अच्छी गेंद थी, इस मरतबा फुल लेंथ की गेंद, गैप में खेला है, बहुत दूर है, खिलाड़ी नहीं रोक पाएंगे, मिले 4। दिस इज द क्लेवर बैटिंग, दिस इज द क्लेवर बैटिंग इन प्रेशर सिचुएशन फ्रॉम समीर। 2 वेरी गुड स्ट्रोक एंड लुक एट दैट ब्यूटिफुल कवर ड्राइव, फ्लैशी कवर ड्राइव, trying very hard from Trishul Tiger, but ball is racing all the way to the boundary for 4. 48 हो चुके हैं, हालांकि इस तरीके की गेंद पर बाउंड्री लेना ये बड़ी बात है, वो भी दबाव की स्थिति में। इस मरतबा लोअर फुल टॉस, स्लॉग शिप, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं की
और जाना होगा समीर को। ऐसा लगता है आपको इफ्तिकार की थोड़ी सी वहां पे जल्दबाजी से काम किया वहां पर समीर ने? बिल्कुल लगातार जब आप बड़े शॉट के लिए जाते हैं सिद्दीक सर, तो आपके आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और वही हुआ समीर के साथ। नहीं, 10 रन आए थे, फुल टॉस गेंद थी, कहीं भी प्लेस कर सकते थे, लेकिन आप मैच और फंस गया है क्योंकि यहां से कितने रन चाहिए साहिबा? 8 गेंदे 16 रन। ये जो 2 गेंदे हैं ना, ये दोनों टीमों के नाक की डंडी बन गई। बिल्कुल, कल आप मुकाबला उठाकर देखें धनेश 11 का, 3 ओवर में उनकी हालत क्या थी, लेकिन कुमार आउट हुए, उसके बाद जयेश पाटिल आए, 5 गेंदों में 25 बनाए और उस मैच को पूरी तरीके से खींच लिया और धनेश को मैच में खड़ा कर दिया और जीत भी गए। 5 गेंदों पर जयेश पाटिल ने कल 28 रन बनाए थे, वहीं से तो मैच धनेश के हिस्से में गया था। और बाद में उन्होंने कहा कि ड्रॉप सीन के हीरो भावेश पवार नहीं थे तो उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। मैच वहां तक पहुंचा ही नहीं था कि भावेश पवार की जरूरत होती, उससे पहले मैच को लाकर खड़ा कर दिया था। अक्षय एक बार फिर चले, इस मर्तबा लोअर फुल टॉस गेंद, एक और झटका। अब जेबी स्पोर्ट्स के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। नहीं, मैच अभी भी बराबरी पे चल रहा है। हरेश ठाकरे आउट हुए हैं, नीलेश अभी तक वहां मौजूद हैं, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, कुल मिलाकर 16 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। मैच अभी भी बना हुआ है। एक ओवर में कितने चाहिए साहिबा मोमिन? 1 गेंद बाकी है, 7 में कितने? 7 16, मैच के 7 12 फंस चुके हैं। बिल्कुल, लेकिन आने वाले बैट्समैन पर अब 2 जिम्मेदारियां हैं सिद्दीक सर, एक तो रन का बटोरना, दूसरा विकेट का बचाना, ये बहुत जरूरी है। एक बड़ा शॉट इस गेंद पर आना बहुत जरूरी है जेबी स्पोर्ट्स के लिए। जो दर्शक अभी अभी हमारे टेलीकास्ट से जुड़े हैं उनकी मालूमत के लिए मैं बताता चलूं कि आज सुबह का एमजे ट्रॉफी BC4 फॉर्मेट का ये एमजे ट्रॉफी में पहला मुकाबला आप देख रहे हैं। ये गेंद बहुत कीमती गेंद दोनों टीमों के लिए, आया बड़ा शॉट तो जेबी की वापसी, मिला विकेट तो और पड़ जाएगी भारी। हैट्रिक गेंद, ये अच्छी गेंद, इस मर्तबा ड्राइव किया, गेंद चली लॉन्ग ऑन पर, ये देखिए थोड़ा सा फंबल हुआ वहां पर, 2 रन बटोर लिए। दबाव दबाव इस वक्त नजर आ रहा है दोनों टीमों पर। एक ओवर और जीतने के लिए जो रन चाहिए वो है 14। क्या मुकाबले हो रहे हैं इस सीजन में BC4 फॉर्मेट सिटी क्रिकेट में। हर कप में बहुत ही कट टू कट मैचेस और उलट फेर होते ही जा रहे हैं। 6 गेंदें बची हैं और इन 6 गेंदों में सिद्दीक सर अगर हम देखें तो शुरुआत की जो 3 गेंदें होंगी वो बहुत कीमती होगी दोनों टीमों के लिए। देखिए, बड़ा शॉट आया तो रिलीज हो जाएगा प्रेशर बल्लेबाजी पर, विकेट गिरा तो रिलैक्स रहेंगे साइंस स्पोर्ट खारबाओं के कप्तान। बहरहाल मुकाबला कोई भी जीते, जीत हो रही है एमजे ट्रॉफी क्रिकेट की, जीत हो रही है BC4 फॉर्मेट सिटी क्रिकेट की। 4 चांद लग रहे हैं इस सीजन में BC4 फॉर्मेट सिटी क्रिकेट में, एक से बढ़कर एक ट्रॉफी और एक से बढ़कर एक मैच। बिल्कुल, अब ये 6 गेंदे, हर गेंद अपने आप में एक मुकाबला होगी। शुरुआत की 3 गेंद पर अगर एक बड़ा हिट मिल जाता है, एक बाउंड्री मिल जाती है तो फिर मुश्किलें तो बढ़ेंगी। हालांकि मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है सिद्दीक सर, मैच बना हुआ है और बहुत क्या बात है, गेंदबाजी दी गई है हर्षद मैन फ्रॉम टेम्बोली, लेग ब्रेक गेंदबाज है और इस सीजन में हैट्रिक भी कर चुके हैं। बहुत सलाम मशवरे के बाद हर्षद को गेंदबाजी दी गई है, यहां से अभी नहीं तो कभी नहीं। बिल्कुल, शुरुआत की 3 गेंदें, देखना है किसके नाम होती है, लेकिन आखिरी गेंद तक हम ये कह नहीं सकते कि मुकाबला जीतेगा कौन। क्रिकेट है अनिश्चितताओं का खेल, गिरगिट की तरह रंग बदलता है। 3 ओवर के बाद कल धनेश ने वापसी की, वही
आई कालूबाई लोनार्ड ने, एक एक रनों के लिए तरस रही थी, उसके बाद मुकाबला ले उड़ी। और कल बिंदास तो इतने बिंदास हो गए कि चैलेंज की गेंदबाजी को उन्हीं के घरेलू मैदान पर तोड़ मरोड़ के रख दिया था। बिल्कुल, चैलेंज स्पोर्ट्स भी इस स्पर्धा से बाहर है, महिंद्रा स्पोर्ट्स भी बाहर है। महिंद्रा स्पोर्ट्स के पास भी मुश्किलें हैं। 6 गेंदें और 14 रन, बहुत कीमती 6 गेंदें। हर्षद के हाथों में है गेंद, सामना कर रहे हैं बैट्समैन प्रतीक। पहली गेंद, बढ़िया गेंद, बहुत खूबसूरत तेज लेग ब्रेक, अनिल कुंबले जिस तरह तेज लेग ब्रेक करते थे। बिल्कुल, देखना है कि प्रतीक ने कैच छोड़ा था और चौका गया था, वही 14 रन सर यहाँ खड़े हैं। यस, देखना है कि जो गलती उन्होंने की थी फील्डिंग में उसको की भरपाई करते या नहीं। अर्शद ने अच्छी गेंद से शुरुआत की है। बिल्कुल, 5 गेंदें 14 रन, मैच है गरम, स्लिप लगा दिया गया है। ये अच्छी गेंद आगे की तरफ रखा, ड्राइव किया गेंद को एक्स्ट्रा कवर में, दूसरे की मांग मना किया, अपने ऊपर भरोसा जताया है जिस तरीके के कल प्रेम ने जताया था। सिद्धार्थ थे डीप एक्स्ट्रा कवर में, शॉट बहुत अच्छा था लेकिन दबाव की स्थिति में अच्छी फील्डिंग का नजारा। 4-13 का इक्वेशन इस सीजन में, BC4 फॉर्मेट में 2 सुपर ओवर हो चुके हैं अब तक। 4 गेंदें 13 रन, कहना मुश्किल। 18 पर खेल रहे हैं, 18 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त बैट्समैन। ये प्लस पॉइंट है क्योंकि नीलेश की आंखें जम गई है। 4 गेंदें 13 रन, बड़ा मैच। ये अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, पढ़ नहीं पाए वहां पर, एक और डॉट गेंद। यस, इंटरेस्टिंग टू सी इन रिप्ले, दैट वाज अ जेन्युइन लेग ब्रेक बॉलिंग, लुक एट दैट इन स्टाइल ऑफ नरेंद्र अरवानी, लॉट ऑफ फ्लाइट्स देयर, टर्न एंड बाउंस एंड प्लेन मिस, व्हाट अ बॉलिंग फ्रॉम अर्शद। दबाव, सिर्फ दबाव है हर तरफ, प्रेशर है। 3-13 का इक्वेशन है। ये देखिए इस मर्तबा फुल टॉस गेम, कहना होता है मुश्किल, अनिश्चितताओं का खेल इसीलिए कहा जाता है सिद्दीक सर। यस, अंपायर को देख रहे हैं, वो फ्रंट फुट पे थे, पहले ही आगे बढ़े थे, यही कारण था कि बीमर घोषित नहीं किया क्योंकि डबल स्टेप पर थे। ये देखिए वहीं से खेला, हालांकि गेंद भी तो कमर के नीचे ही थी, हवा में बलून की तरह आ रही थी, जब बैट्समैन तक पहुंची तो कमर के नीचे थी। 2 गेंदें 7 रन, ये है प्रेशर, ये है एमजे ट्रॉफी, ये है ग्यासुद्दीन शेख और शायान अंसारी की मेहनत, और ये है भिवंडी का सिटी क्रिकेट, BC4 फॉर्मेट, एमजे ट्रॉफी। 2 गेंदें 7 रन, किसकी होगी हार, किसकी होगी जय जयकार। आइए 2 गेंद के लिए सिद्दीक भाबे सर। हर्षद सामना करेंगे नीलेश, दीवार बने हुए हैं साइंस स्पोर्ट खारबाओं के सामने। फुल टॉस गेंद, टक किया ऑन साइड में, बढ़िया फील्डिंग, सबसे अच्छे फील्डर आउटफील्ड के अक्षय। 1 गेंद और गोल्डन 6 की जरूरत इस सीजन में लगा है, और लगाया है बूम बूम शुभा ठाकरे ने। पिछले सीजन में 6 गोल्डन 6 लगे थे, 3 गोल्डन बाउंड्री लगी थी, लेकिन देखना है कि क्या हम दूसरा गोल्डन 6 देख रहे हैं या फिर साइंस स्पोर्ट की जीत। बिल्कुल, एक बात है, ये जो 1 गेंद है ना, ये 1 for the all एंड 1 for the 1 बन गई है क्रिकेट शायकिन के लिए, पूरे टेनिस क्रिकेट के लिए। गेंद है सिक्सर और लगाना भी है सिक्सर, देखना है क्या लगता है सिक्सर सिद्दीक सर। क्या बात है, सिक्सर गेंदों से मैच खेला जा रहा है और सिक्सर ही चाहिए, और बल्लेबाजी के लिए प्रतीक है, ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट है, लेकिन क्रिकेट कुछ कहा नहीं जा सकता, कब कौन पलट के वार कर दे। एक गेंद और 6 रन, 1 गेंद और 6 रन,
आज जॉय कुमार का लौट है 6:30 बजे टेमगढ़ में, 20 तारीख से शुरू होगा। हर्षद बनाम प्रतीक, साइंस बनाम जेबी नहीं, हर्षद। प्रतीक को उछाल दिया, फील्डर मौजूद, साइंस स्पोर्ट खरबाओ विजय, कांग्रेचुलेशन महेंद्र पाटिल एंड साइंस स्पोर्ट खरबाओ द कैप्टन प्रणय एंड ऑल टीम, हार्ड लक जेबी स्पोर्ट, हार्ड लक शरद एंड हार्ड लक सागर बुएर। आइए मैन ऑफ द मैच सेरेमनी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जहां पे दो अवार्ड्स हम देने जा रहे हैं। फिर से मैं BC4 के चेयरपर्सन अलता बाली सर आपका स्वागत करता हूं। आइए मैन ऑफ द मैच के लिए खिलाड़ी का नाम है जिन्होंने मैच को मोड़ दिया, ट्रम्प कार्ड है अपने टीम के, 2 ओवर 16 रन 3 विकेट, और वो है अक्षय। अक्षय आपको आ गया ना है, मैं अबू शायमा शेख साहब आपसे कहूंगा कि मैन ऑफ द मैच प्रेजेंटेशन बॉक्स में आपको जुड़ जाना है। बड़ी बात है कि आज रवि गुलवी, प्रथमेश पाटिल सभी तैयार हैं। ऑल द बेस्ट, एक्सलेंट बॉलिंग फ्रॉम की बॉलर। आइए हम आपको पहले ये ट्रॉफी देते हैं जो हमें अरफाज शेख ने स्पॉन्सर की है। अब ये रिस्ट वॉच निजामपुरा रेस्टोरेंट दरबार, घर के खानों का मजा लेना है तो होम डिलीवरी का फायदा उठाए। अक्षय कुछ तो कहना होगा, लग रहा था कैप्टन प्रणय ने आपको गेंद थमा दी तो आप की टीम को आप मैच में वापसी कराएंगे। हाँ। आखिरी गेंद पे क्या लग रहा था आपको? आखिरी गेंद तो अर्शद के सामने बहुत अच्छा रहे। आज के जीत से खुशी और किसके नाम करेंगे? टीम के नाम। ऑल द बेस्ट दोस्तों, ये थे मैन ऑफ द मैच अक्षय, जो तालुका क्रिकेट के बेहतरीन फील्डर है और एक अच्छा ऑलराउंडर है। ऑल द बेस्ट, लौट चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में। तैयार रहिए दोस्तों, मैच होने जा रहा है सुरेश इंटरप्राइज।